हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, हमारा ये राउरकेला स्टील प्लांट के ऊपर जो क्लास चल रहा है, ठीक है, इसका ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है एंड राउरकेला स्टील प्लांट का जो मैं क्वेश्चन बैंक में प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा टॉपिक जिसके ऊपर राउरकेला स्टील प्लांट के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए की, ठीक है, पैटर्न, वो सभी टॉपिक मैं कवर करूंगा। ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर किया भी है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट के रूप में आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहला वाला जो क्लास था, ये जो सीरीज है, इस सीरीज का 45 तक क्वेश्चन हुआ क्लास वन में। आप 46 से हमारा क्लास जो है स्टार्ट होगा, 100 तक क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो सभी ने ज्वाइन कर लो एंड पेन एंड पेपर लेके जो रिलेटेड क्वेश्चन में बताने वाला हो उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ऑलमोस्ट सभी ने आ चुका है, ठीक है, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताओ। एंड जिन्होंने इस स्ट्रीमिंग देख रहा है, ठीक है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी ने लाइक कर दो। सब कुछ ठीक है कि नहीं एक बार कमेंट करके बता दो एंड सभी ने स्ट्रीम को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। तो हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन 45 तक पहला वाला क्लास में हो चुका था, 46 से हम क्लास को करेंगे, ठीक है। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है ना? ओके, 46 में क्या पूछा था? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा था, पेंटिंग वन ऑन ए मेटल सरफेस इज ए मेथड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रास्टिंग। ठीक है, हम मेटल को, हम जब जॉब को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसको गुड अपीयरेंस देने के लिए क्या करते हैं, हम मेटल के ऊपर पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग गुड अपीयरेंस के साथ साथ और एक काम भी करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी 46 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 47 में हम क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ लेद व्हिच हाउसेस द लेद स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर फॉर स्पीड सिलेक्शन। तो देखिए, लेद में स्पीड सिलेक्शन करने के लिए एंड लेद का जो स्पिंडल है जिसके ऊपर चाक माउंटिंग रहते हैं, ठीक है, थीके? उसको जो जिस हाउसिंग के ऊपर वो रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेडस्टॉक बोलते हैं। एंड इसके साथ नोट डाउन कीजिए, ये जो हेडस्टॉक है ये ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं हेडस्टॉक। एंड उसके साथ एक और पॉइंट भी नोट डाउन करना है, क्या ये लेथ का जो स्पिंडल के बात आ रहा है, स्पिंडल का जिस पोर्शन हेडस्टॉक के बाहर में रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, स्पिंडल नोज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल नोज। एंड ये जो स्पिंडल नोज है, गैप बेड लेथ का गैप स्पिंडल नोज के बिलो में रहते हैं, ठीक है, नीचे में रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, व्हेन यूजिंग ए टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो देखिए, डिफरेंट टेपर टर्न, जो हम जब टेपर करते हैं डिफरेंट मेथड लेते हैं, जैसे कि सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक, टेपर टर्निंग अटैचमेंट बाय CNC, बाय फॉर्म टूल, ये जो डिफरेंट टेपर टर्निंग प्रोसेस है, तो ठीक है, इसमें इनमें से टेपर टर्निंग अटैचमेंट के यूज करके हम जब टेपर टर्निंग करते हैं, ठीक है, वो जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है कहां पर माउंटिंग रहते हैं उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है। तो टेपर टर्निंग माउंट अटैचमेंट जो है वो बेड के ऊपर माउंटिंग रहते हैं। नॉट ओनली टेपर टर्निंग अटैचमेंट, एक और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा लेद में, जो मान लीजिए फिक्स स्टडी, जो फिक्स स्टडी है वो लॉन्ग जॉब को सपोर्ट देने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये फिक्स स्टडी कहां पर माउंटिंग रहते हैं, वो भी बेड के ऊपर माउंटिंग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, द फिट सेंटर इन लेथ टेल स्टॉक ऑफ द लेथ मशीन व्हिच डज नॉट मूव अलोंग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, द फिट सेंटर
or in a lathe tailstock on the lathe machine which does not move along. तो देखिए जिस जो जो मूव नहीं करते हैं, जिसका मोशन कोई भी नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या सेंटर बोलते हैं, डेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है. एंड जिस सेंटर में मोशन प्रेजेंट रहते हैं, जो ऑपरेटर के राइट लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहते हैं, जो मेन स्पिंडल के साथ माउंटिंग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ सेंटर. एंड ये डेड सेंटर जो है ऑपरेटर का राइट हैंड साइड में प्रेजेंट रहते हैं, ऑपरेटर जो है उसका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट रहते हैं डेड सेंटर. एंड मान ये जिस लेथ जो सेंटर है ना, देखने में कैसा होता है, देखने में ऐसा होता है लेथ सेंटर, इसमें कौन सा टेपर प्रेजेंट रहते हैं, इसमें मोर स्टेपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. तो टेल स्टॉक बैरल जो है, ये जो सेंटर है टेल स्टॉक बैरल के अंदर इसको फिट करना है, तो टेल स्टॉक बैरल जो है उसमें भी मोर स्टेपर प्रेजेंट होना है, ठीक है. तो टेल स्टॉक बैरल के अंदर ए सेंटर में जो टेपर प्रेजेंट रहते हैं वो है मोर स्टेपर. ये तो पहले नोट डाउन कर लीजिए. एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, वो क्या है, वो क्वेश्चन है मान लीजिए कौन सा सेंटर, लाइफ सेंटर एंड डेड सेंटर, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा सेंटर जो है जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है. तो डेड सेंटर में ज्यादा फ्रिक्शन होता है, लाइफ सेंटर में फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है. डेड सेंटर में ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इसीलिए जब हम लुब्रिकेशन करते हैं तो डेड सेंटर में ही लुब्रिकेशन हम करते हैं, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. तो देखिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो पैटर्न के ऊपर आ रहा है, पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन मेरा लास्ट में, इस जो क्लास है इसका लास्ट में आपको दिखने को मिलेगा. एंड क्लास 3 में पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है. तो देखिए इनमें से ऑप्शन डी जो है ना, डायरेक्ट जो हम कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो है रॉन्ग स्टेटमेंट. वो क्या है, टामलर गियर इज लेथ आर यूज टू रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड. तो लेथ का स्पिंडल स्पीड रिड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टामलर गियर. ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, ए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि टामलर गियर को हम यूज करते हैं किस काम के लिए, जो हेडस्टॉक जो कैरेज है, कैरेज को मूवमेंट कराने के लिए, राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक एंड लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक, ठीक है, वही है टामलर गियर का मेन फंक्शन, ठीक है. तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है. तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है इट इज रिक्वायर्ड टू कट ए स्क्रू थ्रेड ऑफ 2 mm पिच ऑन ए लेथ. तो लेथ में आपको 2 mm पिच काटना है, ठीक है, लीड स्क्रू के हेल्प से. तो लीड स्क्रू का जो पिच है वो है 6 mm. इफ द स्पिंडल स्पीड 60 rpm देन द स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू क्या है. तो देखिए इसका फॉर्मूला पहले आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है. आरपीएम ऑफ लीड स्क्रू इज इक्वल टू पिच टू बी काट, जो पिच काटना है उसके नीचे में रहेगा पिच ऑफ द लीड स्क्रू, इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, स्पिंडल स्पीड से, ठीक है. तो आपको अगर लीड स्क्रू का स्पीड निकालना है, लीड स्क्रू इधर देख लीजिए, लीड स्क्रू का स्पीड आपको निकालना है, तो लीड स्क्रू का स्पीड इज इक्वल टू पिच टू बी काट, जो पिच आपको काटना है, इधर में क्या पिच काटना है, 2 mm पिच आपको काटना है लीड स्क्रू. उसके बाद उसके नीचे में क्या है, पिच ऑफ द लीड स्क्रू, लीड स्क्रू का पिच क्या है, 6 mm. उसको मल्टीप्लीकेशन करना है क्या से, उसको मल्टीप्लीकेशन करना है जो स्पिंडल स्पीड है उससे, ठीक है. तो हमको डाटा मिल गया है, तो हमको क्या करना है, 2/6 × 60. तो इसको आप इधर से काट दीजिए, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 20. तो इसका आंसर लीड स्क्रू जो है, लीड स्क्रू का जो आरपीएम होगा वो क्या होगा, लीड स्क्रू का जो आरपीएम होगा वो 20 rpm होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लीड स्क्रू का जो स्पीड है उसके बाद स्पिंडल का जो स्पीड है, ठीक है, इज इक्वल टू पिच टू बी काट बाय पिच ऑफ द लीड स्क्रू, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू इंटू पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज इक्वल टू पिच टू बी काट इंटू स्पीड ऑफ द स्पिंडल.
ठीक है, यही है करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कोई भी आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको काम में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है टर्निंग टूल विथ नोज रेडियस। तो टर्निंग टूल है जो उसमें नोज रेडियस प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो टर्निंग टूल विथ नोज रेडियस उसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो हार्डनेस है, पहले वाला क्वेश्चन क्लास में आपको मैं बोला था, जो हार्डनेस के ऊपर, जो हार्डनेस हम टेस्टिंग करते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, ठीक है, बी डिफरेंट हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, जिनमें रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में जो हम इंडेंटर इस्तेमाल करते हैं उसका एपेक्स एंगल क्या है 120 डिग्री, एडिवीशन कर लो। एंड वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में जो इंडेंटर यूज करते हैं उसका एपेक्स एंगल है 136 डिग्री। ठीक है, ये डायमंड इंडेंटर है, ठीक है, इस नोट डाउन कर लीजिए। तो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में जो हम नंबर हमको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, जो इधर में BHN करके आपको दिखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड बाय। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो हार्डनेस है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं तीनों तरफ से, एक होता है सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील, एक होता है सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम एंड हार्ड। ठीक है, तो सॉफ्ट जो है वो है A2H, मीडियम जो है वो I2P एंड हार्ड जो है वो Q2Z। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटर और अल्फाबेट। ग्राइंडिंग व्हील का जो हार्डनेस हम स्पेसिफाई करते हैं वो अल्फाबेट से स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है इन ए लेथ ऑपरेशन डैश कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला लेंथ ऑफ कार्ट बाय फीड इनटू RPM। तो लेंथ ऑफ कार्ट बाय फीड इनटू RPM, इसको आप इस फॉर्मूला से आप जो कैलकुलेशन कर सकते हैं वो क्या है, मशीनिंग टाइम। तो ये जो है मशीनिंग टाइम का निकालने का एक फॉर्मूला, ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सारा एग्जामिनेशन में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। तो सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग जो है टूल है उसका जीरो डेक एंगल रहते हैं, एंड ये जीरो डेक एंगल जो है ब्रश को आप जब मशीनिंग करते हैं, ब्रश मशीनिंग करने के लिए भी आपको जीरो डेक एंगल इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, नेगेटिव डेक एंगल, सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल, सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल, सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल जो है वो नेगेटिव ब्रेक एंगल से हम नेगेटिव ब्रेक एंगल के साथ हम अटैच करते हैं, एंड कौन सा प्रोसेस से अटैच करते हैं, ब्रेजिंग करके हम अटैच करते हैं, एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, एंड पॉजिटिव ब्रेक एंगल के साथ जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल, अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल को काटना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, तो अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पॉजिटिव ब्रेक एंगल को। ठीक है, तो ये जो नोट डाउन रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा है, फॉर मशीनिंग ऑफ कास्टिंग ऑन लेथ इट शुड बी हेल्ड। तो देखिए, कोई भी कास्टिंग जॉब को अगर मशीनिंग करना है तो उसको आपको होल्ड करना है फोर जॉ चक से। ठीक है, पहला वाला क्लास में था फेस प्लेट का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर मान लीजिए कोई इरेगुलर शेप जॉब आपको है, इरेगुलर शेप जॉब को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फेस प्लेट को। एंड आपको अगर कोई राफ जॉब जैसे कि कास्टिंग इसको होल्ड करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फोर जॉ चक को, जिस चक फोर जॉ चक को हम क्या बोलते हैं, फोर जॉ चक को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं, क्योंकि इसका जो जॉ है ना वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, 57 क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा है, इन ए लेथ मशीन द क्रॉस स्लाइड मूव्स। तो देखिए, क्रॉस स्लाइड का नाम क्रॉस स्लाइड है क्योंकि ये जो लेथ का एक्सिस है उसको क्रॉस करते हैं, तो लेथ का एक्सिस के साथ ये राइट एंगल में परपेंडिकुलर में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है,
तो लेथ का जो एक्सिस है उसके साथ पारपेंडिकुलर मूव करते हैं क्रॉस स्लाइड, एंड क्रॉस स्लाइड का हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको अगर फीड देना है, ठीक है, आपको अगर फीड देना है तो आपको क्रॉस स्लाइड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अगर फेसिंग ऑपरेशन करना है, तब भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्रॉस स्लाइड को। तो क्रॉस स्लाइड को इस्तेमाल करना पड़ेगा फीड देने के लिए, एंड फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए आपको क्रॉस स्लाइड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57 हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कटिंग द स्लीवी टेपर। तो स्लीवी टेपर काटने के लिए आपको कौन सा मेथड को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लीवी टेपर काटने के लिए आपको कॉम्पाउंड रेस्ट स्वीवेल जो मेथड है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखिए ये डिफरेंट टेपर टर्निंग मेथड है, सेट ओवर द टेल स्टॉक, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, फॉर्म टूल, कॉम्पाउंड रेस्ट, एंड एक और भी होता है वो बाय सीएनसी लेथ। तो सीएनसी लेथ के हेल्प से भी आप टेपर टर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है द रेशियो ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर 1:20, ठीक है। तो 1:20 कौन सा टेपर का स्टैंडर्ड टेपर रेशियो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, 1:20 टेपर रेशियो कौन सा टेपर का स्टैंडर्ड टेपर का होता है, वो है मोर्स टेपर, जिसको हम सेल्फ होल्डिंग टेपर के नाम से भी जानते हैं। मोर्स टेपर इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ होल्डिंग टेपर, ठीक है। मोर्स टेपर को हम सेल्फ होल्डिंग टेपर भी बोलते हैं। हाय अरुण राउत, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। अरुण राउत वेलकम टू SSTSC, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर हम फोकस करेंगे। ब्राउन एंड शार्प टेपर हैव द टेपर रेशियो BS1 to BS18 एक्सेप्ट। तो ब्राउन एंड शार्प टेपर जो है वो BS1 से लेके उसका सीरीज BS18 तक होता है, लेकिन ब्राउन एंड शार्प टेपर में कौन सा सीरीज जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा 1:24। तो ब्राउन एंड शेप टेपर हैव द टेपर रेशियो लोअर देन BS1 to BS18 एक्सेप्ट। तो कौन सा टेपर रेशियो नहीं रहते हैं, 1:24 जो है वो टेपर नहीं प्रेजेंट रहते। एंड मान लीजिए जो ब्राउन एंड शार्प टेपर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये। ब्राउन एंड शार्प टेपर जो है वो मिलिंग मशीन में आपको दिखने को मिलेगा। मिलिंग मशीन में टेपर के ऊपर आपका जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर केस में उसका आंसर होता है मोर्स टेपर, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है मिलिंग मशीन तो तब आपका आंसर हो जाएगा ब्राउन एंड शार्प टेपर, ठीक है। उसके बाद मल्टी स्टार थ्रेड इज काट ऑन द लेथ, ठीक है। तो मल्टी स्टार थ्रेड आपको अगर लेथ में काटना है तब भी आपको सिंगल पॉइंट काटिंग टूल भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड मल्टी स्टार थ्रेड में पीच एंड लीड का जो रिलेशन है वो क्या है, लीड इक्वल टू पीच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके इसलिए नंबर ऑफ स्टॉप ज्यादा है इसीलिए उसका लीड ज्यादा होता है मल्टी स्टार थ्रेड में, ठीक है। उसके बाद 62 में क्या पूछा है, थ्रेड आर काट ऑन द लेथ द लीड स्क्रू ऑफ द लेथ मशीन, ठीक है। तो लीड स्क्रू जो लेथ का जो लीड स्क्रू है उसमें कौन सा थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं, उसमें एक्मी थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं। एंड एक्मी थ्रेड के साथ साथ आपको जो नोट डाउन करना है, अगर आपको पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा एक्मी थ्रेड। अगर आपको पूछा है ट्रापीजॉइडल थ्रेड हम किसको बोलते हैं, तो तब भी आपका आंसर हो जाएगा
एक्मी थ्रेड। अगर आपको पूछा है एक्मी थ्रेड का एंगल क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा 29 डिग्री। अगर आपको पूछा है मैट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल क्या है, वो तब आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आपको पूछा है एक्मी थ्रेड कौन सा थ्रेड का मॉडिफिकेशन वर्सन है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर थ्रेड से हम एक्मी थ्रेड बनाते हैं। तो एक्मी थ्रेड के साथ साथ देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया है इधर में। अगर आपको पूछा है लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड है, तो आपको आंसर हो जाएगा एक्मी थ्रेड। उसके साथ अगर आपको पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ कौन सा थ्रेड का है, तब आपका आंसर हो जाएगा एक्मी थ्रेड। अगर बोला है टेपर टाइप थ्रेड ट्रापीजॉइडल थ्रेड किसको हम बोलते हैं, तो तब आपका आंसर हो जाएगा एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का एंगल क्या है 29 डिग्री। मैट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल क्या है 30 डिग्री। एक्मी थ्रेड कौन सा थ्रेड का मॉडिफिकेशन वर्सन है, कौन सा थ्रेड से हम एक्मी थ्रेड को बनाते हैं, उसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, तो ये नोट डाउन करके रखिए। वी थ्रेड जो मोस्ट पॉपुलरली यूज होता है, उसका एंगल वैल्यू क्या है 60 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का 90 डिग्री एंड नाकेल थ्रेड का 30 डिग्री जो रेलवे कैरेज एंड कपलिंग में आपको मिलते हैं। उसके बाद 63 में क्या पूछा है, मोर स्टेपर इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टेपर, मोर स्टेपर आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग नंबर। तो मोर स्टेपर कौन सा रेंज से लेके कौन सा रेंज तक मोर स्टेपर आपको मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो मोर स्टेपर कौन सा रेंज से लेके कौन सा रेंज में आपको मिलते हैं, तो 0 से लेके 7 तक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जब हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मशीन में हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, शेपिंग मशीन में। शेपिंग के साथ साथ एक और मशीन में भी हम क्विक रिटर्न मोशन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, वो है स्लॉटिंग मशीन, वो है स्लॉटिंग मशीन। ठीक है, स्लॉटिंग मशीन में भी हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई एग्जामिनेशन में आते हैं उधर में शेपिंग ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो तब आपको आंसर होगा स्लॉटिंग मशीन। एंड ये जो क्विक रिटर्न रेशियो है, क्विक रिटर्न जो रेशियो है, ये भी आपको पूछ सकते हैं क्विक रिटर्न रेशियो क्या है, वो 3:2। क्विक रिटर्न रेशियो जो है वो है 3:2। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड एक क्विक रिटर्न बनाने के लिए हम जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं वो क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म से हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बनाते हैं शिपिंग मशीन में। एंड शिपिंग मशीन में जो टूल इस्तेमाल होता है, शिपिंग मशीन का जो टूल है वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद 64 में पूछा है द स्ट्रोक ऑफ ए शिपिंग मशीन इज 250 mm, इट टेक्स 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट, ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आंसर करने का जो फॉर्मूला है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या है, उसका स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, SL इसका मतलब है स्ट्रोक लेंथ के साथ नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक। ठीक है, बाय टाइम। ठीक है, तो देखिए इधर में एक काम करना पड़ेगा आपको। इधर में देखिए ये जो शिपिंग मशीन का जो स्ट्रोक लेंथ है वो एमएम में दिया है, तो एमएम को आपको मीटर में, अगर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सभी ने मीटर में ऑप्शन आया है, तो इस मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ को तो आप इसको आप इधर में पुट कर दीजिए, तो स्ट्रोक लेंथ क्या हो जाएगा 250 by 1000 इंटू नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक क्या है 30 डबल स्ट्रोक है, एंड नंबर ऑफ मिनट क्या है 1 मिनट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर में रहेगा 75 by 10, तो आंसर हो जाएगा क्या 7.5 meter per minute, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रोक लेंथ एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्ट्रोक लेंथ इंटू नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक बाय टाइम। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ इंटू नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक बाय टाइम, ये होगा आपका फॉर्मूला। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए मिलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है।
क्लाइंब मिलिंग इज चूजे, पहले बता दीजिए क्लाइंब मिलिंग का दूसरा नेम क्या है, ठीक है, क्लाइंब मिलिंग का दूसरा नेम क्या है, तो क्लाइंब मिलिंग का दूसरा नेम है डाउन मिलिंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लाइंब मिलिंग को दूसरा नेम क्या है, क्लाइंब मिलिंग का दूसरा नेम है डाउन मिलिंग, एंड आपको अगर पूछा है अप मिलिंग का दूसरा नाम क्या है, तो अप मिलिंग का दूसरा नेम जो है वो होगा कॉन्वेंशनल मिलिंग। अप मिलिंग को हम बोलते हैं कॉन्वेंशनल मिलिंग एंड क्लाइंब मिलिंग को हम बोलते हैं डाउन मिलिंग, ठीक है, इसको आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 66, क्लाइंब मिलिंग इज चूजन व्हाइल मशीनिंग बिकॉज, तो मशीनिंग करने के टाइम हम क्लाइंब मिलिंग को चूज करते हैं, तो क्लाइंब मिलिंग को चूज करने का बजाय क्या है, ठीक है, तो क्लाइंब मिलिंग का चूज करने का बजाय है बेटा सरफेस फिनिश हम पाने के लिए हम क्लाइंब मिलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है व्हाट शुड बी डन व्हेन द व्हील इज लोडेड एंड ग्लेज्ड, तो देखिए ये जो लोडिंग है एंड ग्लेजिंग है ये दोनों डिफेक्ट है ग्राइंडिंग व्हील का, ग्राइंडिंग व्हील का दोनों डिफेक्ट है, एक है लोडिंग दूसरा है ग्लेजिंग, तो व्हाट शुड बी डन व्हेन द व्हील इज लोडेड एंड ग्लेजिंग, तो अगर व्हील मान लीजिए लोडेड हो गया है ग्लेजिंग हो रहा है तो तब आपको क्या कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा इस टूल को, इस ग्राइंडिंग व्हील जो है उसको प्रॉपर कटिंग एज उसको फॉर्मेशन करने के लिए वापस उसका कटिंग एक्शन को रिस्टोर करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा ड्रेसिंग करना पड़ेगा, एंड ड्रेसिंग करने के लिए आपको स्टार लाइक ड्रेसर, ठीक है, आपको स्टार लाइक ड्रेसर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, स्टार लाइक ड्रेसर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 66, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहले नोट डाउन कर लीजिए ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है ना, ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है जिसका ट्रेड नेम है कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, एंड इसका ट्रेड नेम का पहला जो अल्फाबेट है सी है, इसीलिए सिलिकॉन कार्बाइड को सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है सिलिकॉन कार्बाइड को कौन सा अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो तब आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका ट्रेड नेम है कार्बोरेंडम, ठीक है, एंड ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है इस सिलिकॉन कार्बाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है हार्ड एंड ब्रिटिल, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है एक हार्ड एंड ब्रिटिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है चेन ड्राइव इज बेटर देन बेल्ट ड्राइव, क्यों, क्योंकि ये जो चेन ड्राइव है ना ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव, इसमें कोई भी पावर लॉसेस नहीं होता है, चेन ड्राइव जो है इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव बोलते हैं, बेल्ट ड्राइव जो है वो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव, क्योंकि इधर में पुली एंड बेल्ट के बीच में एक सरफेस स्पीड का अंतर होता है, ठीक है, एक ही स्पीड में नहीं घूमता है बेल्ट एंड पुली, लेकिन चेन का जो स्प्रॉकेट है एंड जो चेन है वो एक ही स्पीड में जो मूव कर उसको आरपीएम एक ही होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई पावर लॉसेस नहीं होता है, जैसे चेन में पावर लॉसेस नहीं होता है इसके लिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव हम बोलते हैं, लेकिन बेल्ट ड्राइव को हम बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है चेन ड्राइव इज बेटर देन द बेल्ट ड्राइव बिकॉज, तो चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव से अच्छा है, इसका वजह क्या है, तो इसका वजह है क्वेश्चन नंबर 66 69 ऑप्शन डी, इट डज नॉट हैव नॉमिनल स्लिप, इसमें कोई स्लिप प्रेजेंट नहीं रहते। इसके साथ आपको ये भी नोट डाउन करना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव है उसमें जो स्लिप नहीं होता है, ठीक है, बेल्ट में स्लिप रहते हैं, एंड बेल्ट ड्राइव के अंदर एक बेल्ट होता है जैसे कि टाइमिंग बेल्ट, ठीक है, टाइमिंग बेल्ट जिसको हम बोलते हैं टू थर्ड बेल्ट, ठीक है, टाइमिंग बेल्ट और टू थर्ड बेल्ट जो है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बेल्ट ड्राइव, उसमें पावर लॉसेस नहीं होता है। उसके बाद डावेल पिन फास्टनर, तो डावेल पिन क्या है, तो डावेल जो है ना ये अगर पैटर्न शॉप में कारपेंटरी शॉप में आप काम करते हैं तो डावेल जो होता है वो ऊट से बनता है, लेकिन आप फिटिंग कोई जॉब में डावेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या किससे बना हुआ होता है, डाक्टाइल मटेरियल से, वो डाक्टाइल मटेरियल से बना हुआ होता है। तो डावेल जो है वो कैसा फास्टनर है, तो डावेल जो है वो परमानेंट फास्टनर नहीं है, वो है एक टेम्पोररी फास्टनर, तो डावेल जो है वो एक टेम्पोररी फास्टनर का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 70 तक ठीक है सब कुछ, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 70 तक अच्छा है कि नहीं, कैसा हुआ है,
आपका कोई डाउट कॉन्फ्यूजन कुछ है तो बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में हम पूछा है द एंगल ऑफ द चेम्फर ऑफ द चेम्फर्ड वाशर इज केप्ड गोज। तो देखिए चेम्फर जो वाशर है उसमें जो हम चेम्फर करते हैं कितना डिग्री में चेम्फर करते हैं, 30 डिग्री में। ये जो बीच वाला जो जीरो है ये डिग्री है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको पूछा है नॉट बोल्ट में कितना एंगल में आप चेम्फर करता है तो अब भी आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद 72, 72 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट्स विथ स्प्लिट पिन यूज्ड फॉर लॉकिंग। तो आपको नॉट से अगर नॉट को अगर आपको फिट करना है स्प्लिट पिन के मदद से तो कौन सा नॉट में आपको स्प्लिट पिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसेल नॉट जो है उसमें आपको स्प्लिट पिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड आरएसपी में एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था वो क्या है, 25 mm कैसेल नॉट जो है उसमें कितना ग्रुप व कितना स्लॉट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स प्रेजेंट रहते हैं 25 mm कैसेल नट में वो है 6, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। उसके बाद एंड कैसेल नट का जो अवेलेबल साइज है, ठीक है, M4 से लेके M100, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है की के ऊपर। देखिए की के ऊपर एक हमारा कंप्लीट क्लास है, ठीक है। की से जो जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें कंप्लीट एक क्लास है वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है की फिट्स ए सांग की। तो सांग की जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए की जो सांग की है उसको की वेज आर कट इन बोथ शेफ्ट एंड हाफ। अगर सांग की को अगर फिट करना है आपको तो आपको जो शेफ्ट है उसके अंदर भी की वे बनाना पड़ेगा एंड हब जो है और पुली जो है उसके अंदर भी आपको की वे बनाना पड़ेगा। लेकिन सैडल की जो है उसको फिट करने के लिए ओनली हब और पुली पे आपको की वे बनाना है लेकिन आपको शेफ्ट के ऊपर कोई की वे नहीं बनाना है। तो शांक की को फिट करने के लिए आपको शेफ्ट एंड पुली दोनों के बीच में ही आपको की वे बनाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, की वेज आर कार्ड ऑन बोथ शेफ्ट एंड हब। इधर में हब के बजाय पुली भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद 74, 74 में पूछा है द टेपर इज ऑन टेपर थिकनेस रेशियो ऑफ इट। तो टेपर रेशियो क्या होता है, ठीक है, टेपर में 1:100, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, वुड राफ की इज ए की। तो देखिए वुड राफ जो की है ना उसको देखने में ऐसा होता है, वुड राफ की, ये है वुड राफ की जिसका है सेमी सिलिंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, सेमी सिलिंड्रिकल शेप होता है। तो ये जो उड्राफ की, ये उड्राफ की कैसा होता है कि उड्राफ की 75, तो क्वेश्चन इसका क्वेश्चन क्या बोला है 75 में, उड्राफ की इज ए की इन इन द शेप ऑफ सेगमेंटल एंड सेगमेंट एंड इट इज ए यूज्ड फॉर फिट द की सीट की मेड ऑन द शेप इज यूज्ड। तो इसको किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू फिट द व्हील ऑन द टेपर शेप। तो टेपर शेप में फिट करने के लिए हम उटरप की को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 76, 76 में पूछा है टेंजेंशियल की इज यूज इन ए पेयर एंड लोकेटेड एट एन एंगल 120 डिग्री इट इज यूज टू। तो टेंजेंशियल की जो है वो 120 डिग्री अपार्ट में फिट होता है, ठीक है। वो कहां पर जो टेंजेंट की है जो इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट की को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्लाई व्हील ऑन द रोलिंग मिल। रोलिंग मिल का जो फ्लाई व्हील है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए की के ऊपर मेरा एक क्लास है, आप जा सकते हैं उस क्लास में, ठीक है। उस वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, 77 में पूछा है सीरेटेड शाफ्ट फिट इज यूज्ड इन। तो सीरेटेड शाफ्ट फिट इज यूज कहां पर इस्तेमाल करते हैं हम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, 78 में पूछा है वायर स्प्रिंग इज यूज्ड।
तो वायर स्प्रिंग कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं? वायर स्प्रिंग हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? टू कीप द लीड्स कवर इन पोजिशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है व्हिच इज मोर यूजफुल वॉशर इन सिंपल वर्क। तो सिंपल वर्क में हम कौन सा वॉशर जो है हम इस्तेमाल करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा प्लेन वॉशर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा है? द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी। तो थ्रेड रोलिंग में जो ब्लैंक हम इस्तेमाल करते हैं उसका डायमीटर क्या होगा? ठीक है, तो उसका डायमीटर होगा ऑप्शन डी, ए लिटिल लार्जर देन द पीस डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ठीक है, पीस जो थ्रेड है उसका पीस डायमीटर से ज्यादा होगा। उसके बाद व्हाट इज द अमेरिकन थ्रेड? तो अमेरिकन थ्रेड जो है वो है एक सिलर थ्रेड। ठीक है, सिलर थ्रेड को हम अमेरिकन थ्रेड बोलते हैं जिसका एंगल वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, तो अमेरिकन थ्रेड जो है वो है सिलर थ्रेड जिसका एंगल वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, उसके साथ साथ आप नोट डाउन कर लीजिए यूनिफाइड थ्रेड जो है उसका भी एंगल वैल्यू है 60 डिग्री। बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल है 55 डिग्री एंड और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 82 में पूछा है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। मैं पहले भी करा चुका हूं, एक्मी थ्रेड का एंगल है 29 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है? द जिंक क्लोराइड फ्लक्स यूज्ड फॉर। तो देखिए ये जो जिंक क्लोराइड जो फ्लक्स है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये नोट डाउन कर लीजिए, जिंक क्लोराइड फ्लक्स को हम बोलते हैं किल्ड स्प्रिट। जिंक क्लोराइड फ्लक्स को हम बोलते हैं किल्ड स्प्रिट हम बोलते हैं। तो जिंक क्लोराइड फ्लक्स जो है वो कॉपर ब्रश एंड टिन शीट को आपको अगर सोल्डरिंग करना है तो अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है व्हिच मेटल शीट इज यूज्ड इन गाटर एक्सपेंशन जॉइंट दैट आर मेड बाय द रोलिंग इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीआई शीट। ठीक है, तो देखिए जीआई का मतलब क्या है? गैल्वनाइज्ड आयरन होता है। इसमें कौन सा कोटिंग रहते हैं? उसमें जिंक का कोटिंग रहते हैं। उसके बाद 85 में क्या पूछा है? इन ए रिवेटेड जॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट रिवेट सेंटर इज कॉल्ड पिच। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट इन एमएम देन द मिनिमम पिच फॉर रिवेटेड जॉइंट कैलकुलेटेड। तो देखिए रिवेट का पिच क्या है एक देख लीजिए। मान लीजिए इधर में आप रिवेट किया है, एक प्लेट है इसमें आप रिवेट किया है, तो ये रिवेट जो है ऐसे करके रिवेट है, तो एक रिवेट से लेकर दूसरा रिवेट का जो सेंटर डिस्टेंस है वो है पिच। एंड ये जो पीच है ये रिवेट का जो डायमीटर है इसमें जो डायमीटर का रिवेट इधर में हम फिट करेंगे उसका डायमीटर का 3 times होगा। तो रिवेट का पीच का होगा 3D एंड रिवेट का रिवेट का होल का सेंटर से लेके उसका जो एज है नियरेस्ट एज है उसका डिस्टेंस होगा 1.5D जिसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड इधर में क्या बोला है? इधर का जो क्वेश्चन पूछा है रिवेट का जो होगा आंसर, ठीक है, वो क्या होगा? D+30। इसका इधर में जो ऑप्शन आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा बी, D+30। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 व्हिच मेटल इज यूज्ड टू मेक द एलिगेटर टाइप फास्टनर। तो एलिगेटर टाइप फास्टनर, फास्टनर का काम क्या है? बेल फास्टनर का काम क्या है? बेल का जो लेंथ है उसको इंक्रीज करना। तो एलिगेटर टाइप जो बेल फास्टनर है उसको किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? जीआई जो कि वो किससे बना हुआ होता है? वो जीआई शीट से बना हुआ होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 में क्या पूछा है? 87 में पूछा है व्हिच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन टू एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। क्रीप नहीं होता है, क्रीप का मतलब क्या है? अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर ए बेल ड्राइव में होता है क्रीप जो फेनोमेना वो बेल ड्राइव में होता है। क्रीप किसको बोलते हैं? बेल्ट के ऊपर अन इवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये नोट डाउन कर लीजिए, अन इवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं, जो बेल्ट ड्राइव का एक फिनोमिना है। तो क्रीप नहीं होता है, स्लीप नहीं होता है। व्हिच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। क्रीप भी नहीं होता है, स्लिपेज भी नहीं होता है।
कौन सा सिस्टम में, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन ड्राइव में क्रीप और स्लीप नहीं होता है। उसके बाद व्हिच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोवेशन, कौन सा कपलिंग जो है जिसको हम डिसएंगेज भी कर सकते हैं, ठीक है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है? व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग हैज द डिसएंगेजिंग प्रोवेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग, जिसको हम बोलते हैं हुक्स कपलिंग, जिसको हम हुक्स कपलिंग भी बोलते हैं। हुक्स कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग एक फ्लेक्सिबल कपलिंग है। अगर आपको फ्लेक्सिबल कपलिंग का एग्जांपल पूछा है तो आप बोल सकते हैं ये जो हुक्स कपलिंग है ये एक फ्लेक्सिबल कपलिंग है, ठीक है? उसके बाद व्हिच ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, लॉन्ग डिस्टेंस से लार्ज अमाउंट ऑफ पावर आपको ट्रांसमिट करना है तो आपको रोप ड्राइव को इस्तेमाल करना पड़ेगा। शॉर्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन करना है तो आपको वी बेल्ट ड्राइव को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद 90, क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एंड रीयूज्ड विथ फास्टेनर, तो फास्टेनर से आप कौन सा बेल्ट जो है उसको आप जुड़ नहीं सकते हैं, उसका लेंथ जो है इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वी बेल्ट। इसका आंसर हो जाएगा वी बेल्ट। वी बेल्ट को फास्टनर के साथ आप जुड़ नहीं सकते इसलिए वी बेल्ट का लेंथ इंक्रीज आप नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, तो देखिए इधर में एक रिवीजन क्वेश्चन कर लीजिए। वी बेल्ट जो है ना, वी बेल्ट का जो एंगल वैल्यू है, ठीक है, 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच बेल्ट स्लिप इज लेस इन पावर ट्रांसमिशन, कौन सा बेल्ट में जो पावर लॉस कम होता है, ठीक है, स्लिपेज कम होता है, तो वी बेल्ट में पावर लॉसेस कम होता है। उसके बाद थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है, तो थ्रेड रोलिंग कहां पर रेस्ट्रिक्टेड है, तो थ्रेड रोलिंग जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, डक्टाइल मटेरियल के लिए थ्रेड रोलिंग नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। सभी ने एक बार लाइक कर दो। सभी ने एक बार लाइक कर दो। ओके, 93 में पूछा है ए शॉ व्हिच कार्स वुड ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, तो रिटर्न स्ट्रोक में कौन सा जो शॉ है वो मटेरियल को काटते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुल शॉ, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा पुल शॉ। जनरली शॉ जो है हैक शॉ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हैक शॉ फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव करते हैं, हैक शो, नॉट ओनली हैक शो, फाइल भी फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव करते हैं, एंड शेपर जो है वो भी फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव करते हैं, तो हैक शो, फाइल, शेपर, ये सब फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है ए मॉर्टिस गेज इज ए, तो मॉर्टिस गेज क्या है? मॉर्टिस गेज जो है एक मार्किंग टूल है, मॉर्टिस गेज जो है एक मार्किंग टूल, ठीक है? आपको अगर पूछा है जिमलेट क्या है, जिमलेट जो है वो एक बोरिंग टूल, ठीक है, जिमलेट जो है एक बोरिंग टूल होता है। स्ट्राइकिंग टूल का एग्जांपल क्या है? हैमर, हैमर जो है वो एक स्ट्राइकिंग टूल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95,
इतना सारा क्वेश्चन में 77 77 का आंसर होगा बी। हाँ 77 का आंसर होगा बी। 88 व्हिच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन, यूनिवर्सल कपलिंग। उसके बाद 95 में पूछा है ए रिप शॉ, ठीक है 95 में पूछा है रिप शॉ, तो रिप शॉ का आंसर क्या हो जाएगा, ए रिप शॉ, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हिच इज यूज्ड फॉर कटिंग अलोंग द ग्रेन ऑफ वुड, ये होगा रिप शॉ का आंसर, ठीक है। उसके बाद जिमलेट, देखिए क्वेश्चन जिमलेट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जिमलेट क्या है, जिमलेट है एक बोरिंग टूल, जिमलेट जो है एक बोरिंग टूल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है तो देखिए इसमें जो रॉन्ग एग्जांपल है, ए ऑगर इज ए प्लानिंग टूल, आप देख सकते हैं ए ऑगर टूल, ठीक है आप देख सकते हैं ये टूल जो है ए ऑगर टूल, इसको आप कहीं भी एंगल से आपको फिनिशिंग टूल नहीं लग रहा है, ठीक है तो ये आंसर प्लानिंग टूल, ये आंसर गलत है, ठीक है इससे हम क्या करते हैं होल बनाते हैं, ठीक है थीके? उसके बाद डावल्स, डावल्स आर, तो पहले आपको समझा चुका हूं पैटर्न शॉप में जो डावल हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है वुडन नेल, ठीक है एंड फिटिंग शॉप में आप जो डावल इस्तेमाल करते हैं वो डक्टाइल मटेरियल से बना हुआ होता है। उसके बाद 99 क्वेश्चन नंबर 99 ए पैटर्न, देखिए पैटर्न के ऊपर क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है आपका जो क्लास 3 है उसमें पैटर्न का फुल क्लास मिलेगा। ए पैटर्न इज यूज्ड टू मेक द मोल्ड कैविटी फॉर पोरिंग द मोल्टेन मेटल फॉर कास्टिंग, तो कास्टिंग बनाने के लिए आपको जो कैविटी, ठीक है जो बनाना है उसके लिए आपको पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कास्टिंग अगर आपको करना है तो एक छाछ का आपका जरूरत है, उस छाछ को हम बोलते हैं पैटर्न, ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा यस। 100 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पैटर्न, इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो पैटर्न बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए एल्यूमिनियम जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए, इसका लाइट वेट है इसीलिए। वैक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो है उसमें आप वैक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है एंड लेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा दोनों क्लास में 100 तक क्वेश्चन कवर हो चुका है, ठीक है कैसा लगा है क्लास आपका, आप कमेंट कर सकते हैं अभी। अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है सभी का सब क्वेश्चन ठीक है ना, तो इस क्लास को आप ज्यादातर शेयर कीजिए फ्रेंड्स के अंदर एंड मेरा क्लास मैं कोशिश करूंगा जो मैंने सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में जो बनाया वो, ठीक है ये आपको 1 वीक के अंदर आपको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है उसके उसके बाद आप रिवीजन करने का टाइम मिलेगा आपको एंड आपका जो क्लास 2-3-4 क्लास अब जब हो जाएगा खत्म उसके बाद में इसका क्वेश्चन का जो आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो मेरा ऐप से आके आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जो प्रिपरेशन अच्छा करके जारी रखिए।